हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की मैथ का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर दे रखा है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यूएस और कनाडा जैसी कंट्री में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। और इंडिया जैसी कंट्री में टेम्परेचर को हम सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है, जो कि हमें लीनियर इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एफ इक्वल टू 9/5 सी फॉर सेल्सियस प्लस 32। तो ये हमें यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट हमसे बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन में यहां पर बोल रहा है कि इस जो आपको ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसी का आपको ग्राफ बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हम अभी तक ग्राफ बनाते हैं वैसे ही हमें बनाना है, लेकिन एक उसने शर्त रखी है कि डिग्री सेल्सियस क्या है एक्स एक्सिस पे आना चाहिए और फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस पे आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है इसको, जैसे कि हम क्वेश्चन को मान लेते हैं ना कुछ, जैसे लेट एक्स इक्वल टू दिस वाई इक्वल टू दिस, तो इसको भी हम ऐसे मान लेते हैं। सो लेट सेल्सियस इक्वल टू एक्स एंड फ़ारेनहाइट इक्वल टू वाई, क्योंकि हमें इसको वाई एक्सिस चाहिए। तो चाहते तो हम वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे और उसको एफ को एक्स एक्सिस की प्लेस में लिखते हो, वाई को एफ को फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस की प्लेस में लिखते हो और सी को एक्स एक्सिस की प्लेस में लिखते हैं। लेकिन हम इसको अगर जब एक्स और वाई ऐसे मान लेते हैं तो हमें ध्यान रहता है कि एक्स को एक्स एक्सिस में लिखना है, वाई को वाई एक्सिस में, तो इसलिए हमने इसको मान लिया है। नहीं मानते तो भी हम इसको कर सकते थे, ठीक है, कि सी और एफ मान के। तो अब ये क्वेश्चन अब कैसी बन गई है, अब C की प्लेस में X लिख दो और F की प्लेस में Y लिख दो, ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना। अब देखो इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ हम इसका बनाते हैं। मैंने इसका बॉक्स तो बना दिया, यहां लिख दिया X और यहां लिख दिया Y, तीन इसके हम यहां पर फाइंड करेंगे वैल्यू प्लॉट करने के लिए। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, एक बात ध्यान रखो, जैसे कि मैं यहां पर x की प्लेस में 0 पुट कर देता हूं, 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 32 आएगी। अब लोग कैसे इसको सॉल्व करके देख लो, जब अगर मैं इसको 0 पुट कर दूंगा तो 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, तो y इक्वल टू 32 बचा, तो इसलिए 32 आ गया। अब नेक्स्ट मैं नंबर लूंगा, वो ऐसा नंबर लूंगा कि ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर उठा के ले लिया, कि देखो अपॉन में 5 है तो मैं ऐसा नंबर लूंगा जो 5 से कट हो सके। तो मैं ऐसे क्या लेता हूँ, मान लो मैं -10 ले लेता हूँ, ओके, और मान लो मैं इसको हटाई देता हूँ, तीसरी वैल्यू मैं ले ही नहीं रहा हूँ, चाहो तो ले भी सकते हो, मैं नहीं ले रहा। तो यहाँ पर मैंने 10 रख दिया, वो भी माइनस का 10 लिखा है, ठीक है। सो 9/5 मल्टीप्लाई बाय -10, एक्स की प्लेस में लिखा है इसलिए मैंने एक्स लिखा है, इक्वल टू वाई प्लस 32। सो क्या होगा, 5 1 5 5 2 10, वो भी माइनस का 2 बचेगा अभी, ठीक है। सो 9 2 18 माइनस का 18 प्लस 32 इक्वल टू 14, 32 माइनस 18 14। सो 14 आ गया हमारा वाई की प्लेस में, यानी फ़ारेनहाइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसका अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो हमारे पास 2 पॉइंट है, तो हमारे पास आसानी से और भी निकल सकता है, चाहो तो 3 पॉइंट ले लेते तो भी हमारा क्या है और एक और पॉइंट हो जाता, तो एक और पॉइंट हमें प्लॉट करके उसमें भी ऐसे जोड़ना पड़ता तो भी कुछ नहीं था। तो लेकिन यहाँ पर देख सकते हो एक नंबर जो है माइनस का है, तो इस वजह से क्या होगा, चलो बना ही देता हूँ पहले मैं कार्टेशियन प्लेन, तो यहाँ पर तो 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 32 है, 10 है, 14 है, तो हमें यहाँ पर क्या है जो पार्टीशन है वो हमें क्या है थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा का लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 5 5 का गैप ले लेता हूँ, सो 0 0 5 10 15
20, 25, 30, 35, 40. वैसे मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ 5, 10, 15, 20, 25. -5, -10, -20, -5, -10, -20. सॉरी 15 कहाँ गया, 15. ओके तो इसको प्लॉट करते हैं. सो एक्स एक्सिस पे 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक्स पे 0 है और वाई पे क्या है 32. सो एक्स पे 0 वाई पे 32. तो देखो ये रहा 30, 31, 32, तो ये आएगा 32. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, 32. सेकेंड हमारा -10, 14. तो -10 हमारा एक्स एक्सिस पे चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे हमारा -10 ये रहा, वाई एक्सिस पे 14. सो वाई एक्सिस क्या 14 है, वो भी प्लस का 14 है. तो 5, 10 और 14 यहाँ पर आएगा 15 के एक नीचे. ठीक है, तो ये और ये यहाँ पर मिलेगा. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -10, 14. तो इसको लिख दिया मैंने, दो पॉइंट फाइंड करे हैं. देखो एक येरा पॉइंट, एक येरा पॉइंट, तो मैंने इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर क्या है जॉइन कर दिया, और जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक मैंने एक एरो ऐसे लगा दिया. अब इस लाइन पे आप इसी इक्वेशन भी लिख सकते हो जो कि यहाँ पर मैंने बनाई है, वाई जो कि पहले से गिवन है, ये यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हो. सो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह हो गया कंप्लीट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, नहीं सॉरी अभी तो सेकंड पार्ट भी बचा है. तो अब इसके और भी पार्ट हैं, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं. 5 पार्ट हैं इसके टोटल, सबको हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है. अब तो इजी पार्ट बचे हैं बस. इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है, तो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो वॉट इज द टेम्परेचर इन फेरनहाइट. तो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फेरनहाइट में क्या होगा. तो इसको मैं टी छोड़ो ऐसे नहीं लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ C=30. ओके अगर टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है तो फेरनहाइट में क्या होगा, बस कन्वर्जन वाले अब बचे हैं बस क्वेश्चन. सो F=9/5 × C की प्लेस में 30 पुट करना है, +32. 5 × 5, 5 × 6 = 30 = 9 × 9 = 54, 9 × 6 = 54 + 32. प्लस कर देंगे तो उनको 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 डिग्री फेरनहाइट. तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट. 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा था और फेरनहाइट में निकालना था, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया. इसका थर्ड पार्ट हमें दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर दे रखा है. इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फेरनहाइट, अगर हमारा फेरनहाइट जो है 95 डिग्री है, तो हमारा टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना होगा. टेम्परेचर इन सेल्सियस हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है. सिंपल है, एफ की प्लेस में 95 पुट कर देंगे. 95 = 9/5 C + 32. ठीक है, तो अब सिंपल हम क्या करते हैं, प्लस 32 को इक्वल टू को दूसरी साइड भेज देते हैं. तो 95 − 32 = 9/5 C. सो 95 को माइनस कर देते हैं 32 से, क्या बचेगा यहाँ पर 3, 6, 63 = अब देखो इक्वल टू क्यों लगाए, 9/5 को मल्टीप्लाई में अभी है, इक्वल टू को दूसरी साइड भेजेंगे तो उल्टे हो जाएंगे. 5/9 हो जाएगा इक्वल टू सी. सो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 7 × 5 = 35. सो 35 डिग्री सेल्सियस आ गया इसका आंसर. सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी जो है हो गया यहाँ पर कंप्लीट. फोर्थ पार्ट इसका हमें यहाँ पर दे रखा है. इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, वॉट इज द टेम्परेचर इन फेरनहाइट. तो फेरनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा,
और इसमें दो ही एक साथ दे दिए हैं, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा। ओके तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे, वो तो पता ही हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं, अगर हमारा सेल्सियस जीरो है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, उसका फ़ारेनहाइट जीरो है उसका बाद में करेंगे। सो सेल्सियस जीरो है तो यानी कि ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो एफ इक्वल टू 32 बचेगा। एफ इक्वल टू, चलो इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एफ इक्वल टू 9/5 जीरो प्लस 32, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे तो एफ इक्वल टू कितना बचा, 32 बचा। तो एफ इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है। सेकेंड पार्ट क्या था, अगर फ़ारेनहाइट जीरो है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री है टेम्परेचर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट की प्लेस में जीरो पुट कर दिया, इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, 32 इक्वल टू को दूसरी साइड गया तो -32 हो गया, और ये इक्वल टू को दूसरी साइड है, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में इक्वल टू को दूसरी साइड आते ही डिवाइड में इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी तो ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट में ही आंसर आना है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, सी इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ आंसर आएगा 17.7777 ऐसे करके आएगा। तो 77 की प्लेस में मैं इसको क्या कर देता हूँ, 17. राउंड ऑफ करके 8 लिख देता हूँ, तो ये आ गया 17.8 डिग्री सेल्सियस, इतना आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 17.8। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है कि इज देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो क्वेश्चन में बोला गया क्या कोई ऐसा टेम्परेचर भी है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में सेम ही हो, ऐसा भी कोई टेम्परेचर है, तो वो अगर है तो हमें यहाँ पर लिख के दिखाओ। तो देखो जब क्या हो, वैन एफ इक्वल टू सी, यानी कि फ़ारेनहाइट जो है डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, तब क्या होगा, एफ जहां पर लिखा है वहां पर हम सी भी लिख सकते हैं, यहां पर सी लिखा है वहां पर एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो मैं यहां पर सी लिख देता हूं, एफ की प्लेस में सी लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, इसको मैं इसके पास ले आता हूं, तो ये सी तो पहले से ही है, ये इक्वल टू को दूसरी साइड जाएगा तो ये पूरा जा रहा है, तो ये वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 9/5 सी इक्वल टू 32 यहाँ पर बचा रहेगा। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है तो एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आया 5, तो ये 1 है, 5 सी हो गया, 5 सी माइनस 5 पहले से है तो 9 सी। अब सी बार बार लिखने की प्लेस में मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ और एक ब्रैकेट बना के इसको बाहर लिख देता हूँ, सी इक्वल टू का 32 यहाँ पर बचा रहेगा, तो 5 - 9 तो क्या होगा, माइनस क्या आएगा, -4 आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ -4 ये अपॉन में 5 और ये c इक्वल टू 32। अब c इक्वल टू कितना होगा, -5/4 को इक्वल टू को दूसरी साइड भेज देंगे हम, सो ये हो गया 32, ब्रैकेट लगा देता हूँ उसको, 32 इक्वल टू को दूसरी साइड हम क्या भेज रहे हैं यहाँ पर, -5/4 मल्टीप्लाई में 5/4 और वो भी ये माइनस का रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का ही है, 2 2 = 4 2 1 = 2 2 6 = 12 2 1 = 2 2 8 = 16 और 5 8 = 40 40 और वो भी माइनस का 40। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकला, और सेल्सियस में आया तो यानी कि यहाँ पर देख सकते हो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हैं, तो यानी कि फ़ारेनहाइट भी क्या होगा, -40। So, इसका मतलब ये निकला है यहां पर कि -40 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है ये न्यूमेरिकली सेम होता है बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। ओके, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।